पहली बार देखे रात को सोए इतना अच्छा था, उस तब से उधर से कैसा हो गया। पीछे अच्छा दे तरफ लो भैया, मम्मी पापा गए, मम्मी पापा घर पे, मम्मी पापा बोलते हैं ये सब करने के लिए। देख लो भाई, ये लड़की मुंडी भी, बच्ची मुंडी भी ला रही है, बोले कि मम्मी पापा बोलते हैं करने के लिए, ये सब मत मांगा करो, बहुत ख़राब बात है। वो देखो वो कैसे भाग रही है, देखो पूछ रहे हैं मम्मी पापा गए, मम्मी पापा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12427 रीवा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली रीवा एक्सप्रेस में, जो रोज़ाना शाम 4:40 पे रीवा रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 6:40 पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुँचा देती है। टोटल डिस्टेंस हम इस ट्रेन से कवर करने वाले हैं 849 किलोमीटर का, 11 हॉल्ट के साथ 14 घंटा में। तो भाई रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा एसिंग वेटिंग हॉल, जिसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये प्रति घंटे। आपके पास भी अगर 2-4 घंटे का टाइम हो तो भाई आप आके कम पैसे में ही आराम से बैठ कर टाइम पास कर सकते हैं। वैसे ये नमा कंपनी का एसी वेटिंग हॉल मैंने सिर्फ इसी रेलवे स्टेशन पर नहीं, बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर देखा हुआ है। और साथ ही साथ आपको इस रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, आप सामने देख सकते हो। और यहाँ पर सामने लगा हुआ है भाई रेट चार्ट, 800 रुपये प्रति 24 घंटे या उसके भाग के लिए, और 400 रुपये प्रति 12 घंटे या उसके भाग के लिए। समय लिखा हुआ है 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक। तो आप अगर चाहो तो आके भाई बुकिंग करके यहाँ पर आप रह सकते हो। वैसे भाई आप सभी को बता दूँ, रीवा रेलवे स्टेशन में आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जिसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो है भाई वो अभी भी चालू नहीं किया गया है। प्लेटफॉर्म कंप्लीट है बट भाई नीचे आप देख सकते हो ट्रैक का काम अभी भी चालू है। और ये तो रहा 3 नंबर प्लेटफॉर्म, वहाँ बगल में भाई 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म अभी भी तैयार हो रहा है। और बता दो भाई, रीवा रेलवे स्टेशन जो है वो एक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, जिसका मतलब होता है कि इसके आगे ट्रेन नहीं जा सकती और ना ही यहाँ से कोई ट्रेन पास की जाती है, यहाँ से केवल ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है। और आज की डेट में रीवा रेलवे स्टेशन से टोटल सिर्फ और सिर्फ 13 ट्रेन ही ऑपरेट होती हैं। और भाई हमारी ट्रेन लगी हुई है सामने रीवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही ऑपरेट होकर चलती है। वैसे भाई इस पूरे रेलवे स्टेशन का ही काम भाई अभी तक चालू है, अब चारों तरफ जिधर भी नज़र घुमाओगे चारों तरफ आप देख सकते हो सिर्फ काम ही चल रहा है। इधर देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी अभी तक ठीक तरीके से तैयार नहीं है, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, सामने वहाँ पर 4 और 5 बन रहे हैं। अदरवाइज़ भाई बिल्डिंग्स भी अभी ठीक तरीके से पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और वहाँ पर है रीवा रेलवे स्टेशन का कार शेड या सेंटिंग शेड, जहाँ पर ट्रेन जो भी ऑपरेट की जाती है यहाँ से वहाँ पर ही जाके खड़ी होती है। सामने भी आप देख सकते हो ट्रेन खड़ी है, वो रीवांचल एक्सप्रेस है, रानी कमलापति से रीवा के बीच में चलने वाली। और ये आप सामने देख सकते हो हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि है WAG 5। वैसे ये लोकोमोटिव हमारे ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ सतना रेलवे स्टेशन का लेके जाएगी, सतना रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव भी चेंज होगा और साथ ही साथ हमारी ट्रेन भी वहाँ पर रिवर्स होगी। तो ये सामने है भाई हमारा कोच S2, सीट है हमारा 46 अपर बर्थ। क्यों नहीं बोला, तुम्हारे मम्मी पापा किधर है पहले बताओ, पैसे दूंगा पहले बताओ मम्मी पापा किधर है आपके, कहाँ गए बोलो, कहाँ पे, घर में है, मम्मी पापा बोलते हैं ये सब काम करने के लिए। आप लोग अभी से इतने छोटे छोटे बच्चे हो, अगर आप लोग अभी से पैसे मांगोगे तो आप लोग की ज़िंदगी का क्या होगा बोलो। वो देखो वो कैसे भाग रही है, देखो पूछ रहे हैं मम्मी पापा कहाँ, मम्मी पापा घर पे, मम्मी पापा बोलते हैं ये सब करने के लिए। देख लो भाई, ये लड़की मुंडी भी, बच्ची मुंडी भी ला रही है, बोले कि मम्मी पापा बोलते हैं करने के लिए, ये सब मत मांगा करो, बहुत ख़राब बात है, आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है या नहीं।
हमारा रिग रिवर्स होने के बाद उस वाले ट्रैक से जाएगी। आप उस पर देख रहे हो कि दो ट्रैक जा रही है भाई, वो वाली ट्रैक सीधा निकल जाएगी मानिकपुर प्रयागराज के रास्ते कानपुर होके आनंद विहार, ये वाली ट्रैक भाई। सतना रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन हमारी रिवर्स होके इस वाली ट्रैक से जाएगी। भाई 49 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करके और निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के पहले हॉल्ट सतना रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड ST है। स्टेशन के बारे में अगर आपको बताएं तो भाई 3 प्लेटफॉर्म्स का रेलवे स्टेशन है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन में ये रेलवे स्टेशन आता है और इसका डिवीजन जबलपुर है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि भाई अब यहाँ पर हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो चेंज किया जाएगा। अभी लगा हुआ है हमारी ट्रेन में वैग 5, अब इसे निकाल के लगा दिया जाएगा गाजियाबाद का वैग 7। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का रेक जो है वो रिवर्स होगा। अब हम मानिकपुर प्रयागराज के रास्ते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन होकर पहुँचेंगे कल सुबह आनंद विहार टर्मिनल। और सामने लोकोमोटिव जो है हमारा ये खुल रहा है भाई। ये लोकोमोटिव हमारी अलग हो गई भाई गाजियाबाद का वैग 7 लगेगा वो बिल्कुल सामने लगेगा, तो आपको दिखाने हम जा नहीं सकते भाई क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ पर एक एंडोन जनरेटर है, उसके बाद 2 जनरल कंपार्टमेंट, उसके बाद S1 S2। तो हमारा कोच जो है वो बिल्कुल पीछे हो गया है, सामने जाना पॉसिबल नहीं। उसके बाद भाई साथ में हमारे लगेज है तो छोड़ के जाना भी सेफ नहीं है। आप सतना रेलवे स्टेशन का ऊपर व्यू यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बॉस। देखो चारों तरफ पूरा का पूरा स्टेशन आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। सामने खड़ी है भाई सुपर फास्ट एक्सप्रेस, समझ में नहीं आ रहा है दूर से लोकमान्य तिलक से बनारस के बीच में चलने वाली। देखो भाई साहब, मतलब कैसा काला काला पूरा आसमान होके रखा हुआ है, जैसे लग रहा है बारिश होगी। भाई साहब मौसम देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही है बॉस, लग रहा है यहाँ जोरों से बारिश होने वाली है। वैसे नज़ारा काफ़ी प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है।
चुके हैं मानिकपुर रेलवे स्टेशन से और हम आपसे मिलते हैं अब डायरेक्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि बस अंधेरा हो चुका है, कुछ दिखाने लायक है नहीं बाहर में। डायरेक्ट हमसे मिलेंगे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो दिखाते हैं भाई अब आपको रीवा एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास कोचेस का इंटीरियर और साथ ही साथ वॉशरूम का क्या है कंडीशन इस ट्रेन का। तो सामने आप देख सकते हो बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जो कि काफ़ी क्लीन है। दो साइड आपको चार्जिंग सॉकेट दिख रहे होंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। नीचे फ्लोर का कंडीशन भाई बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। और ये रहा साइड लोअर साइड पर बर्थ। इस ट्रेन के भी एक प्रॉब्लम है भाई, जो दोनों चार्जिंग सॉकेट्स और लाइट और फैन के स्विच जो अपर बर्थ में दे दिए गए हैं भाई, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि वे रात को टाइम अगर यहाँ पर कोई सोया होगा, अगर किसी को फैन या लाइट ऑन करनी होगी तो भाई उसको ऐसे हाथ करके करना पड़ेगा, तो जो बंदा यहाँ पर सोया होगा उसको भी प्रॉब्लम होगी, प्लस जो ऑन ऑफ करेगा उसको भी प्रॉब्लम होगी। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये सामने एक एरिया, ये भी भाई बिल्कुल एकदम चकाचक नीट एंड क्लीन है। थोड़ा बहुत गंदा है बट ये शायद उठने वाला भी नहीं है। सामने देखिएगा आपको ये मिरर जो थोड़ा बहुत गंदा है। वॉश बेसिन का कंडीशन काफ़ी अच्छा है, पानी भी आ रहा है भाई, और नीचे है डस्टबिन। और वॉशरूम का कंडीशन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और भाई वॉशरूम के वॉश बेसिन में भी पानी आ रहा है बट वॉश बेसिन थोड़ा सा गंदा है, और इसका मिरर का भी हाल थोड़ा सा गंदा ही है, हेजी है, मतलब मिरर साफ़ नहीं किया गया है और ऊपर एक लाइट लगा हुआ है। तो ऐसा ही है कुछ भाई हमारी रीवा एक्सप्रेस का वॉशरूम का कंडीशन और साथ ही साथ इंटीरियर। नेक्स्ट मॉर्निंग पहली बार देखा रात को, सोए इतना अच्छा था उस तब से उधर पे कैसा हो गया। नीचे चारों तरफ लोग तो भैया 3 घंटे 40 मिनट की देरी के साथ, कितने देरी के साथ, 3 घंटे 40 मिनट की देरी के साथ हम पहुंचे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। और अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो तो भाई बहुत ही बकवास ट्रेन है हर एक मामले में। ना ही ट्रेन का रनिंग अच्छा है और ना ही ट्रेन का कंडीशन अच्छा है। हाँ बस ट्रेन नीट एंड क्लीन है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं बट नीट एंड क्लीन है। सोचे थे भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में उतर के कवर लेंगे बट भाई जब प्रयागराज जंक्शन के बाद ट्रेन हमारी जब छुट्टी उसके बाद नींद खुली तो भैया खुली की खुली रह गई। मतलब कंडीशन ऐसा कि भाई कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो ये था आप ये था भाई हमारी ट्रेन का हालत, हमने तो आपको वीडियो में दिखाई दिया, आप देख के समझ गए ही होंगे। दरअसल भाई प्रयागराज जंक्शन के बाद ही हमारी ट्रेन की हालत जो है वो ऐसी हो चुकी थी। बीच में एक स्टॉपेज पड़ता है सिराथू बोल के, वहाँ पर मतलब दिल्ली जाने वाली बहुत सारी गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं है, तो इसीलिए वहीं से ही हमारी ट्रेन की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो ऑल ओवर जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है भाई इस ट्रेन में, कभी भूल से भी ट्रैवल मत करना, बहुत ही बकवास ट्रेन है हर एक मामले में। और प्रयागराज जंक्शन के बाद हमारी ट्रेन का जो स्पीड लिमिट था वो 130 किलोमीटर पर आवर था बट भाई कहीं पर भी ट्रेन हमारी 100-110 के ऊपर गई नहीं, लेट करती ही गई करती गई प्रयागराज जंक्शन के बाद, और फाइनली करते करते ऑलमोस्ट 4 घंटा लेट हो गई हमारी ट्रेन। तो भाई यही था आज का हमारा वीडियो, करते हैं आज का वीडियो यहीं पर खत्म। आप सभी हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक और नए सफर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, टाटा। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है भाई, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन था, बहुत ही बकवास ट्रेन है। सामने देख लो बोर्ड है आनंद विहार टर्मिनल का और ये खड़ी है हमारी रीवा एक्सप्रेस।